हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनब। दोस्तों, गैराया का ट्रेलर देखा मैंने अभी अभी यार, मुझे काफी अच्छा लगा ट्रेलर। यार सबसे बड़ी बात ट्रेलर का ये है कि एक जिज्ञासा जगाता है कि भाई हो क्या रहा है ट्रेलर में। द ट्रेलर डजंट रिवील मच, इट इज श्राउडेड इन अ वेल ऑफ सीक्रेसी। आप पहली बात तो देखो यार, आपको लगेगा यार क्या ये अफेयर का कहानी है, आर दीपिका एंड सिद्धांत हैविंग एन अफेयर और इज देयर मोर टू इट देन व्हाट एक्चुअली मीट्स द रियल लाइफ, ये एक जिज्ञासा जगाता है। दूसरा ना, एक डूबने वाला शॉट है, एक ड्राउनिंग का शॉट है। आप वो शॉट देखो, इट्स जस्ट अ फ्लीटिंग ग्लिम्स, अ पीकअबू ग्लिम्स। वो देख के आप सोचोगे भाई एक्चुअली डूब कौन रहा है, आपको पता नहीं चलेगा कोई डूब रहा है, किसी को डुबाया जा रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। अगेन वो सीक्रेसी, तो वो सीक्रेसी, वो मिस्ट्री जो सस्पेंस मेंटेन किया है पूरे ट्रेलर ने, वो मुझे बहुत बहुत बढ़िया लगा। ओनली रिवीलिंग व्हाट इज नीडेड टू कीप एन एक्साइटमेंट अलाइव इन योर माइंड टू फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग इन द फिल्म। अल्टीमेटली व्हेन द फिल्म रिलीजेस, दैट इज द ओनली टाइम यू विल गेट टू नो। बट वो जिज्ञासा जिस तरह से ये ट्रेलर ने जगाया, वो मुझे काफी अच्छा लगा। और दूसरी बात यार, दीपिका का परफॉर्मेंस यार ट्रेलर में, शी स्टैंड्स आउट। ऐसा लग रहा है इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट रोल, very different from the other period film kind of roles that you may have seen her in the past. तो एक different role लग रहा है, उनका performance भी काफी अच्छा लग रहा है। And यार number 3, ये चीज तो कहना पड़ेगा, सिद्धांत और दीपिका का chemistry, the sizzle, the hotness, the oomph that they have displayed through their chemistry, that is very very nice to watch, very sensual, very classy, but very very good to watch on screen. और दोनों साथ में काफी अच्छा लग रहा है यार। और इसके अलावा अनन्या पांडे है, मेरी तो favorite है, वो तो बहुत cute और beautiful लगी है। दूसरा जो बंदा है यार, धैर्य यार, उनका पर्सनालिटी और उनका आवाज मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा जो डायलॉग्स मैंने सुना है, एक नॉन चैलेंज जो था वो डायलॉग्स में, लाइक यार आधा मुंबई ऐसे ही करता है, या फिर यार इतना आसानी से छोड़ के नहीं जाएगा, अगर छोड़ के जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊंगा एंड ऑल, यू नो, या फिर आर वी ऑल मेस्ड अप। तो जो नॉन चैलेंज था वो डायलॉग्स में, वो डायलॉग डिलीवरी में भी, वो मुझे काफी अच्छा लगा। कुल मिला के दोस्तों, आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द फिल्म। लाइक आई सेड, ये एक यूजुअल अफेयर का कहानी है या फिर कुछ और है, और शकुन बत्रा ने तो कुछ, आई थिंक कुछ एडिशनल एलिमेंट्स तो ऐसे ऐड किया रहेगा, जो देख के अपने को, वो ट्विस्ट और टर्न्स देख के तो अपने को बहुत ज्यादा एंगेजिंग और एंटरटेनिंग एलिमेंट्स तो जरूर मिलेगा, ऐसा एक फीलिंग आ रहा है ट्रेलर देख के। आई एम गोइंग विद 3.5 स्टार्स फॉर द ट्रेलर ऑफ गहराइया। वन मोर थिंग, द म्यूजिक लुक्स टू बी आउटस्टैंडिंग, द म्यूजिक इज साउंडिंग आउटस्टैंडिंग, इज लुकिंग आउटस्टैंडिंग। जो म्यूजिक सुना मैंने, जो बैकग्राउंड म्यूजिक, जो एक हल्का सा उसका भी एक पीकअबू लिसन जो मिला, वो म्यूजिक भी बहुत बेहतरीन लगा। कुल मिला के बहुत बहुत प्रॉमिसिंग फिल्म लग रहा है। 3.5 स्टार्स, दैट्स माय रेटिंग फॉर गहराइया। अगर आपने देखा है तो मुझे लिखकर बताना आपको गहराइया कैसे लगा। चलिए फॉर द ट्रेलर ऑफ गहराइया कैसे लगा। चलिए फॉर द मोमेंट, टाटा।